आईआईटी कमांथ के नॉर्थ कैंपस में गोलीकांड के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मृतक बाउंसर के परिजनों ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि इस पूरे गोलीकांड के पीछे स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर हैं और उन्हीं के कहने पर यह सब हुआ है। 20 जून को हिमाचल मंडी के आईआईटी कमांड में निर्माण करवा रहे ठेकेदारों के करिंदों द्वारा मजदूरों पर चलाई गई गोलियों के बाद हुई खूनी झड़प में पंजाब के 4 बाउंसर मजदूर आपसी झगड़े में जान गंवा बैठे और 5 पंजाबियों को घायल अवस्था में पीजीआई लाया गया। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आरोपियों के परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर संगीन आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये सब हिमाचल के मंत्री के इशारों पर ही इस सारी प्लानिंग के तहत इनके बच्चों पर हमला कराया गया। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पंजाब के 4 नौजवानों की नौजवान द्वारा कतल होया। तो उत्थे जिहड़ा डिस्प्यूट सीगा सुप्रीमो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोकल लेबर्स का उत्थे कोई डिस्प्यूट सीगा, इन्हां दा छोटा जिहा तकरार होया। तो इस तकरार नूं लोकल जिहड़े पॉलिटिशियन है और उत्थे दे गूंस हैं उन्होंने बधा के एडा करता कि सुते पे नौजवानों का यह कतल होया। तो इन्हां चों कुछ नौजवानों ने भज के अपनी जान बचाउण की कोशिश की ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰੇ। ਝੜਪ ਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧਨਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਫ ਹੈਰੀ ਕੇ ਪਿਤਾ ਧਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੇ ਬੱਚੇ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਮਨੇ ਗਏ ਥੇ ਔਰ ਵੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵਹਾਂ ਠਹਿਰੇ ਥੇ। ਉਨਕਾ ਬੇਟਾ ਬਾਉਂਸਰ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਸਭੀ ਪਰਿਜਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। 9 ਵਜੇ 9:30 ਵਜੇ ਉਨ ਪਰ ਸੁੱਤੇ ਪਰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਰਡਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਲੇਬਰ ਕੀ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਗੁੰਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਆ। ਪਰਿਜਨੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਨੇ ਕਾ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਆ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਯੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਸੇ ਯੁਵਕ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਇਲਾਜ ਕੇ ਲੀਏ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਹਿ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਬਨੀ ਐਸਆਈਟੀ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਯੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਥਾ ਕਿ ਇਨਮੇਂ ਸੇ ਕਈ ਯੁਵਕੋਂ ਪਰ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਕੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। लेकिन आज की प्रेस वार्ता के दौरान परिजनों ने कहा कि ये सब झूठ है। वहीं ठेकेदार राजीव शर्मा ने हिमाचल के मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर आरोप लगाया है कि उनसे उगाही मांगी जा रही थी, जिनके इशारे पर ये सब कुछ हुआ है। उनका मजदूरों के साथ कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वे दूसरी कंपनी के मजदूर थे। जिस तरीके जब हादसा हुआ तो उस दिन मैं तो शिमला गया हुआ था, मैं वहाँ पे नहीं था। पीछे से जब मेरे को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एकदम ये आए वहाँ पे काम बंद कराने के लिए और इन्होंने किसी की कोई सुनाई सुना नहीं, कोई कुछ नहीं किया इन्होंने। जबकि उस दिन जो ईपीएफ की जो उनका जो प्रॉब्लम थी वो भी कंपनी ने पिछले दिन सॉल्व की थी, पर फिर भी इन्होंने मानने नहीं, कहते हमने इनको भी भगा देना। ये सारे कोई बाउंसर नहीं था इसमें, जो थे जो इन्होंने 2 हमारे एम्प्लॉई थे जो स्टार्टिंग से हमारे साथ काम करते। जब डे नाइट न्यूज टीम ने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर से संपर्क किया तो उन्होंने उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि आरोप लगाने वाले स्वयं आरक्षक तत्व हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे स्वयं घायलों को देखने के लिए मौके पर गए थे। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। वहीं इस सारे मामले पर हमारे सहयोगी ने बात की स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर से। आइए सुनते हैं क्या कहना है कौल सिंह ठाकुर का इस पूरे मामले पर। ऐसा है, परिजनों को कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो ठेकेदार है जिन्होंने उनको हायर किया था, सो कॉल्ड बाउंसर है उन्होंने, वो राजीव जो है उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे पता है, और ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। मेरा इससे कोई, इस घटना से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन एक निश्चित तौर पे है, मेरी कंसिस्टेंसी है। आईआईटी कमाल में खोलने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है और विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं अर्जुन सिंह जी का, जिन्होंने ये कमाल में इसकी मंजूरी दी। और यहाँ काम बड़े युद्ध स्तर पे चला हुआ था, लेकिन इन्होंने जो है बाहर से ये लोग बुला करके, पंजाब के लोग बुला के वहाँ जो काम कर रहे हैं मजदूर, गरीब मजदूर, उनको धमकाने का काम किया। और फिर बाद में हालात ये हो गई कि गोलियां चला दी, उन्होंने कहा कि पहाड़ी लोग है शायद गोलियां मारने से भाग जाएंगे, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ, गांव के लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने जो है वहां झगड़ा हो गया। क्योंकि मैं तो शिमले में था उस दिन, मेरा तो कोई मतलब नहीं, मैं कभी वहां मौके पर नहीं गया, कभी किसी से बात नहीं की, ना किसी ठेकेदार को मैं जानता हूँ, ना किसी से बात हुई है। लेकिन कानून अपना काम करेगा और हमने कहा है कि भाई इसकी ठीक जांच की जाए, दोषी व्यक्तियों को जो है वो उनके खिलाफ जो है निश्चित तौर पे कार्रवाई करें, पुलिस में चालान करें। बयान मैंने नहीं दिया है, मैंने कहा ये प्रशासन को अगर पता था कि ऐसे आए
आए हैं, बंदूकें लेकर के कुछ आए हैं, तो उनको समय पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं किया। हालांकि मैं जिस दिन बकुआ हुआ उसके दूसरे दिन फिर मैं हॉस्पिटल में उनको देखने गया, जिन पर गोलियां चकी उनको भी, और जो लोग घायल थे सो कॉल्ड बाउंसर उनको देखने भी गया। मैंने कहा उनके अच्छे इलाज के लिए हमने उनको चंडीगढ़ रेफर कर दिया। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि इस किस्म के घटिया आरोप जो है मुझ पर लगाए जा रहे हैं। 40 साल की राजनीति में मैंने इज्जत कमाई है, कभी कोई गलत काम नहीं किया है, कभी कोई कानून हाथ में नहीं लिया है, लेकिन ये लोग घटिया प्रचार कर रहे हैं जिसका मैं पूरी तरह से जिसका जो है मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। किसी ने बॉडी को इनकार नहीं किया। मैंने कहा कि इनके पोस्टमार्टम करो और इनके परिवारजनों को ये जो मरे उनकी बॉडी कर दो, और जो लोग घायल थे उनको पीजीआई के लिए मैंने कहा कि मैं कहा पीजीआई करो, इनका अच्छा इलाज हो। बिल्कुल सरेआम गलत है कि मैंने इनकार किया या मैंने इनकार किया या पैसे की कहा कि पैसे इनको दिलाओ, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद थे, दूसरे डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थे, उन सबको इस बात का पता है। ये तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ठेकेदार जो है ऐसे बयानबाजी कर रहा है। हमें कोई इतराज नहीं है, अगर सीबीआई जांच कराना चाहे तो सीबीआई जांच करे, तब फिर मतलब वो उन ठेकेदारों पर और इन लोगों पर खूब आंच आएगी, उनका पुराना रिकॉर्ड भी पता करेंगे। अखबारों में भी लिखा है कि कई इनमें से जो मुलजिम थे कई चोरी में, कोई डकैती में, कोई जो है उसमें, आज अखबारों में बात निकली है जी। और फिर वो पीजीआई से भी भाग करके कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए हैं। तो इस तरीके से इनका जो है संदिग्ध वो है सारा जी आचरण इनका संदिग्ध रहा है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।